सब भाण बहन है, राम राम। एक कहानी बताऊंगा, भिखारण बनी डॉक्टर। बहुत सुंदर कहानी है, पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता। उसकी बेटी थी, उसके साथ है एक उसकी पत्नी। तो गांव में कोई बीमारी आएगी, महामारी की बीमारी के कारण उसकी पत्नी मर गई, तो दोनों बाप बेटी रह गया, आदमी थो अंधो। तो काम उसने कितना मिलियो को नहीं, अंधा आदमी ने कौन काम दी। तो वो आपकी बेटी का साथ था, बेटी को हाथ पकड़ के जा कि भीख मांग लिया हुआ, दोनों बाबू बेटी खा ली। तो बेटी ने वह बात बहुत बुरी लग गया करती। उसने सोची भाई सब पढ़ लिख के वह एक सिठानी का घर न जाया करता मांगने, तो उनको बेटो पढ़िया कर, तो पढ़ता देख के नर लड़की का नहीं होया करती मन में, अगर भाई यो पढ़ा मैं भी पढ़ की नर, मेरी माँ मरी बीमारी थे तो मैं डॉक्टर बन की सबको इलाज करूँ, मेरे बाप की आँख की रोशनी लेके आऊँ और बड़ी डॉक्टर बनू। तो मांगण जाता जी दवा सिठानी नहीं कहती, भाई सब आदमी भिखारी तो पर भाजे, अगर भाई महामारी है इन मैं इनका बीमारी है, वो कपड़ा कुपड़ा भी भाई भिखारी तो ईसाए पह रहे, साफ सुथरा को नहीं रहे गणा। ये घर ना आके नर ने कहती पिताजी मैं बड़ी हो कि डॉक्टर बनूंगी। तो पिताजी ने कह दो भाई खान की दो टाइम की रोटी को नहीं अपने दो रहे हैं, तो डॉक्टर कितने बनेगी बेटी, डॉक्टर बनन ये सपना तो बड़ा पैसा दुनिया का है, अपना को अपना कन को नहीं भाई, आप पैसा ही को नहीं अपना कितने डॉक्टर बनेगी तू। तो उस लड़की का किधर से बात, फिर एक और तो उसने नहीं बोली भाई आज आप परी मैं मारी टॉयलेट साफ कर दे, मैं तन रुपया दूंगी। तो उसने सोची भाई चलो थोड़ा बहुत रुपया आ जाएगा, खान पीन को थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, चली गई साफ करन, पेट में भूख लग गया ना जा तो के करें बाप अंधो। तो उसकी टॉयलेट साफ करती जा, उसने इतना बुरो लग गया नहीं, अब मैं देख टॉयलेट साफ करूँ, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूँ, उसकी इच्छा नहीं कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो आ गई आके मेरे, फिर उसने न्यू करी आपका पिताजी ने तो छोड़े आई, मंदिर मंदिर को पुजारी थे उसकन दिन में, पिताजी ने तो छोड़िया हुआ और आप काम करने खातर चली जाओ, आप खिलौना खिलौना टॉयलेट का जो रुपया मिले उन तक खिलौना खरीद लिया उसने, और खिलौना लेके गांव में बेचा हुआ उन खिलौना ने, और जो उन खिलौना तो रुपया हुए वो कम तो बाप बेटी बरत ले, कम उसने सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लियो, सरकारी स्कूल की जो मैडम थी ना उससे मिल ली जा की अगर मैं पढ़ना चाहूँ, मेरी इच्छा से मैं पढ़ू। तो भाई वो ने मास्टर ने नहीं सोची जब लड़की का जी में है पढ़ने की, तो भाई एडमिशन कर दिए उसको, हाँ पढ़ लेगी, सही थी मास्टरणी को ना, वह भी कह दे के पढ़ेगी तू जरूरत, पर नहीं बोली ठीक है बेटा पढ़ ले, एडमिशन करो कर दियो उसको नाम लिख दियो। तो वह इतनी मेहनत तो पढ़ा दिन में, तो सारा दिन खिलौना बेच है और रात में वह पढ़ा, तो पढ़ाई में सब ते फर्स्ट आवे, ज्यादा नंबर आवे उसका। तो नहीं मतलब वह सेठानी उसको बेटो वह जड़े उसते इतनी गरीब हो किन भी पढ़ने लाग रही है कि डॉक्टर नहीं बनेगी या, लेकिन उसने अपनी लेन कौन छोड़ी पढ़ी गई वहां पढ़ पढ़ के उसने मतलब पढ़ाई पूरी कर ली, प्लस टू कर ली। तो उसकी मास्टर ने मैडम ने भी उसकी मदद करी कि मैं लड़की की पढ़ाई में, तो वह पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उसको एडमिशन हो गया डॉक्टरी में, नंबर ज्यादा होने का कारण फर्स्ट आने का कारण पैसा भी ना लग गया उसका, फ्री में ही हो गया। तो बोली पढ़ने खातर मन शहर जानो पड़ेगो, पढ़ाई खातर को उसकी मेडिकल की पढ़ाई डॉक्टर की पढ़ाई खातर तो शहर में जाना पड़ेगा, गांव में को नहीं। फिर उसका गल ने न्यूक गल ने पिताजी की चिंता, इसने दिखा भी को नहीं, इसने कौन संभालेगो। लेकिन वह इतनी पढ़ाई में शहर होने का कारण मैडम ने बोली भाई परी तू जा पढ़ाई करे, अतर पिताजी की चिंता ना करे, पूरा इसकी मदद मैं करूंगी। तो वह चली गई सर में कुछ दिन को या पता नहीं उसका, अपना पढ़ाई में लागी रहे वहा आइए को नहीं, डॉक्टर बने बिना कई दिन हो गया। तो
गम में फिर आ गई बीमारी, मारी चल गई, मेरा बीमार होने लग गया, बीमारी ते मरण लग गया। गम में कोई अस्पताल नहीं लवद हुआ, तो शहर में कोई छोटा मोटा अस्पताल में कोई एडमिट हो गया, कोई मर्जिया नहीं हो गया। तो सेठानी भी बीमार, उसको बेटो भी बीमार, सेठानी को और सेठ भी बीमार, मतलब अच्छी फैल गई बीमारी। तो एक नर्स ने आकी खबर दई भाई, जो मतलब देश की सबसे बड़ी डॉक्टर है शहर की, वह आवेगी इलाज करने खातर तारो, मतलब शहर में डॉक्टर अपने गांव में। तो सब राजी हो गया भाई, बढ़िया से इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब मरीज को गान। तो पाछा वह आई गाड़ी, डॉक्टर बन गई फिर तो, उसने सरकारी गाड़ी में आवेगी, वह बड़ी डॉक्टर बन गई। आकी गाड़ी में तो उतरी तो फूल माला लही खड़ा स्वागत खातर, क्यों कोई डॉक्टर है डॉक्टर नहीं, कोई थाए को नहीं गम में। तो राजी हो गया, डॉक्टर नहीं आ गई, सब उसके स्वागत खातर खड़ा, फूल माला लही गम का मुखिया ने माला पर आई, नहीं बेरो को नहीं को डॉक्टर नहीं, कौन से वह भिखारण है कौन से को नहीं आई उनका पिछाण में। फिर उसको पिताजी भी खड़े थे लड़की को, उसने उनका पाच उचकारिया। फिर उनने बताई कि भाई मैं उनने पछनी बेर पाट के पाच उचकारिया, जिधर पिताजी कही जिधे कि भैया तो वह अंधाए की व्यक्ति से है। तो फिर उसने उनको इलाज करो सारा, मतलब जो भी मरीज था उनको आपका पिताजी की आंखें की ऑपरेशन करवायो, पिताजी ने भी दिखन लग गयो। तो सारा गांव ने फिर उस तई शाबाशी दई और माफी मांगी, जो उसकी गल करे था सेठानी गल करया करता उनने माफी मांगी, अगर भाई मारी गलती थी या चाहे भिखारण हो चाहे मतलब पढ़न की लगन होगी, वो बालक पढ़ा वो हमने तेरी गल करी और भाई पढ़ाई में तेरा भी झोंक गिरियो, परमात्मा तो तकदीरों लिख रखी, हाँ तेरा लिख रखी थी, तो वह तन मिली सारे गांव ने। और उसके पिताजी को मतलब गर्भ तो सिन्नो हो गया चौड़ो, भाई देख मेरी बेटी आज डॉक्टर बन गई। इस तरह जो मैं जो बालक मेहनत करेगा उसने कोई को नहीं रोक सके और ना वो किसी का रोक क्या थे रुके। तो फल तो मिला है हाँ, उस अंधी भिखारण ने। तुम ये मत सोचो भाई पढ़े जो अमीर घर को बालक से वो कुछ बन सके है, अगर लगन होगी तो गरीब भी कुछ ना कुछ बन सके है पढ़ की ने, और पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए। सब भाई भैया ने राम राम।